ये सपना सपना ही रह जाएगा। क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? जब इस घर के सारे पुरुष खत्म हो जाएंगे, तब क्या होगा? यहाँ नाग नहीं, इंसान रहते हैं। इंसान रहते पति के मृत्यु के बाद एक भारतीय नारी अबला बन जाती है। इस घर के सारे पुरुष मरेंगे क्योंकि उनकी बहू इच्छादारी नागिन है। हम ये नहीं होने देंगे। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि इस बार, क्योंकि इस बार तुम्हारा सामना हमसे हुआ है, हमसे, हमसे, प्रवंचिका से। हमारे इच्छाधारी नागिन होने के कारण से अगर इस घर में ये विपत्ति आई है तो हम ही इसे दूर करेंगे। पहले दादी सा को मूर्ति रूप से आजाद करेंगे, फिर अर्जुन को शैतानी आत्मा के कैद से मुक्त करेंगे, फिर तुम्हारा इंतजाम करेंगे। प्रवंचिका, तुमने एक नागिन को चुनौती दी है, इसीलिए आज हम भी कसम खाते हैं कि ये उत्सव खत्म होने से पहले हम तुम्हारे कहर से इस परिवार को आजाद कर देंगे। हाँ प्रवंचिका, हमारे होते हुए तुम इस परिवार का कोई नुकसान नहीं कर पाओगी। तुम्हारे प्रपंच का तोड़ ढूंढने के लिए हम नाग लोग जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगी प्रवंचिका, कुछ नहीं। इस वक्त माँ, हमारा दादी सा से मिलना बहुत जरूरी है। इस वक्त ही हमें उनसे मिलना है। ये असंभव है अमृता, त्रिवेणी अंधेरी गुफा में है। अगर आप वहाँ चले गए और गलती से भी रोशनी वहाँ पहुँच गई तो त्रिवेणी हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति रूप में रह जाएगी। कुछ कीजिए माँ, कुछ कीजिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। पर अमृता, ऐसी भी क्या मजबूरी है? इस घर के पुरुषों पर जो मकड़ी के जाले तुम देख रही हो, वो उनके दिलो दिमाग पर पूरे काबू करके उन्हें नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। इस घर के सारे पुरुष मरेंगे क्योंकि उनकी बहू एक इच्छादारी नागिन है। अब आप ही बताइए, उस प्रवंचिका के जाल से अपने परिवार को कैसे बचाएं? अमृता, प्रवंचिका बहुत शक्तिशाली है, उसके जादू का तोड़ हमारे पास भी नहीं है। ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। अब चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन अपने परिवार पर आंच नहीं आने देंगे। रुक जा अमृता। ओम तदं श्वं शौ वरणीयो। चीते रहो, हिम्मत मत हारो। रहा अवश्य कठिन है, परंतु इस समस्या का केवल एक ही मार्ग है। क्या? नियति देवी, वही इस नियति को बदल सकती है। नागदेव, नियति देवी, परंतु वो आएंगी, वो तो हमसे नाराज है ना? कौन है ये नियति देवी और वो हमसे नाराज क्यों है, और हम उन्हें कैसे मना सकते हैं? अमृता, नागलोक की प्रथा है कि नागराज की पहली संतान को आशीर्वाद देने नियति देवी को आमंत्रण दिया जाता है, और आप हमारी और नागराज की पहली संतान है। पर बदकिस्मती से हमारा निमंत्रण नियति देवी तक पहुंचा ही नहीं और वो हमसे नाराज हो गई। धन देवी, धर्म देवी, सिद्धिमा देवी सारी पहुंची, लेकिन नियति देवी वो नहीं आई। लेकिन माँ, उनके आशीर्वाद में ऐसी कौन सी बात थी? अमृता, हमारी सारी कुल देवियों में वो सबसे शक्तिशाली है,
अगर उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता तो प्रवंचिका की शक्तियों का आप मुकाबला अच्छे से कर पाती। वही प्रवंचिका जो तुम्हारे परिवार को नष्ट करना चाहती है और जिसकी वजह से तुम अपनी जान देना चाहती हो। फिर अब क्या होगा? एक ही मार्ग है, केवल एक मार्ग। यदि ये चारों की चारों कुल देवियां आपको एक साथ आशीर्वाद दें तो भगो चारों यहां से 5 कोस दूर भयावह गुफा में मिलेगी। वो चाहे जहां भी है, अपने परिवार को बचाने के लिए हम उन तक जरूर पहुंचेंगे। प्रणाम। हमारी मदद कीजिए ताकि राह की सारी बाधाओं को पार कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अपने परिवार को बचाने का साहस दीजिए साईं।